Hello students, I am Gurjeet. Welcome you all in my class. And today I am going to teach you exercise 2.4 of the same chapter 2, polynomial. So in this number exercise, what we have to study? So let's see here. In this number exercise, we have to study factor theorem. So factor theorem क्या होती है? पहले हम इसके ऊपर discuss करते हैं, फिर हम हमारी exercise start करेंगे. So what is factor theorem? Just see the definition. If Px is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1 and 1 is any real number, then first x minus a is a factor of p of x if p a equals to 0. If x minus a is a factor of p of x. इसका मतलब ये है, फैक्टर थ्योरम अलग से कोई थ्योरम नहीं है. एक्चुअली यह थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही आई है. व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? व्हाट वी हैव स्टडीड इन द रिमाइंडर थ्योरम दैट इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड वी डिवाइड px बाय x माइनस a, सो वी गेट रिमाइंडर एज p ऑफ a. मींस px अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, उस p ऑफ x को x माइनस a अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वह p ऑफ a होता है. तो बिल्कुल वैसे ही हमको यही करना है फैक्टर थ्योरम में भी, कि px कोई एक पॉलिनोमियल है, px इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मींस px एक पॉलिनोमियल हमको लेना है जिसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी. मींस वो कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए बस. एंड a कोई भी रियल नंबर है. Then two statements we get here in this theorem. First is x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0. इसका मीनिंग क्या है कि अगर p किस एक पॉलिनोमियल px को x minus a से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पार्ट यह है कि अगर x minus a p of x का फैक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि p of a 0 के इक्वल होगा. p of a का सेंस यहाँ पर रिमाइंडर से है. मीन्स अगर हम p of x को x माइनस a से डिवाइड करते हैं और अगर वह इसका फैक्टर है, तो डिवाइडेशन के बाद हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0. फर्स्ट स्टेटमेंट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. सो सेकेंड नंबर इज कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a p of x का फैक्टर है, तो p of a means remainder हमको 0 मिलेगा. and here is if p a is equal to 0 means remainder अगर 0 है, तो x minus a p of x का factor होगा. तो factor theorem क्या होती है कि factor theorem में हम p of x को x minus a से divide करते हैं. divide करने के बाद जो remainder आता है, remainder हमको कैसे find करना है? जैसे हम remainder theorem में remainder find करते थे, same वैसे ही remainder find करेंगे. और रिमाइंडर फाइंड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो x माइनस a p ऑफ a का फैक्टर होगा. और सेकेंड सेंटेंस क्या है कि अगर p ऑफ a 0 है, मींस अगर रिमाइंडर 0 है, तो x माइनस a p ऑफ a का फैक्टर होगा. एंड द सेकेंड इज अगर x माइनस a p ऑफ a का फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? 0. मतलब दोनों ही बातें यहाँ पे वर्क करेंगी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो x माइनस a p of x का फैक्टर होगा. सेकेंड अगर x माइनस a p of a का p of x का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो दोनों ही केसेस इसमें फॉलो होती हैं. और इस थ्योरम का यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, यह हम कहाँ यूज करते हैं? अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर शो करना है कि यह इसका फैक्टर होगा कि नहीं, तो इस केस में हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स सी दिस विथ एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस पॉलिनोमियल g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. तो यह इसका फैक्टर है या नहीं, यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस g ऑफ x को 0 के इक्वल सेट कर देंगे. ओके, 0 के इक्वल सेट करने से हमको क्या मिलेगा? a की वैल्यू मिलेगी. कैसे? इसको ट्रांसपोज किया हमने, तो x इक्वल टू कितना आया? -2. यह जो x इक्वल टू -2 है, यह हमें a की वैल्यू मिली है. अब इस a की वैल्यू को हम किस में रख देंगे? p ऑफ x में. तो p
of x is equal to plus 3x square plus 5x plus 6. चलिए x की वैल्यू इसमें रख के देखते हैं कि क्या मिलता है. ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये सेम प्रोसेस हमने रिमाइंडर छोड़े में भी करी है. इसमें रखने के बाद जो रिमाइंडर मिलता जो आंसर आएगा वह हमारा रिमाइंडर होगा. पहले इतना वर्क करते हैं हम p माइनस 2. सो वेयर इन प्लेस ऑफ x एवरी वेयर ये p विल गेट माइनस 2 प्लस 3 इनटू x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5x 5 इनटू माइनस 2 प्लस 6. Now just we have to solve it. Minus 2 power 3 minus 8. Negative number के ऊपर odd power minus number देती है हमको और 2 power 3 कितना मिलेगा 8. Plus 2 2 is 4. Minus 2 into minus 2 4 and 4 3 is 12. Plus minus minus 5 2 is 10 and plus 6. Just we have to solve it. Then minus 8 plus 12 plus minus minus 4 and the greater number sign minus. So minus 6 plus 6 and minus 6 and plus 6 will be cancelled. So p of minus 2 we get here as 0. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी तो हमें p of minus 2 0 मिला. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग p of minus 2 यहाँ पर एज अ रिमाइंडर ये जीरो यहाँ पे ऐसा रिमाइंडर का वर्क करेगा. बट हमें फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा. तो इसके लिए हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे. अगर रिमाइंडर जीरो है सो एक्स प्लस टू इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा. बट अगर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता, जीरो के अलावा कोई भी हमें दूसरा कोई नंबर मिलता तो वह यह शो करता कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है. So here we get remainder as 0. It shows that gx is a factor of p of x. So इसको हम किससे add उससे किससे connect कर सकते हैं? इसको हम हमारे first statement से connect कर सकते हैं. And that is if p of a is equal to 0, p of a works here as a remainder. And then if the remainder is equal to 0, so here the remainder is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. अगर रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होता है. यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया है, इट शोज दैट कि g x p x का फैक्टर है. सो यू नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक एंड होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरम. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज विद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर. So in this number question we have the two polynomials which we can represent by p of x, and we have another polynomial g of x plus 1 that can be represented as p g of x. And in this number question we have to show that whether x plus 1 is a factor of these polynomials or not. X plus 1 in dono polynomials ka factor hai ya nahi hai. तो फैक्टर हम कैसे शो करते हैं? बाय फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम से हमको क्या करना है कि फर्स्ट जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल सेट करना है? जीरो के. उसे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की. ए की जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में रखना है? पी ऑफ एक्स में. पी ऑफ एक्स में रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो रिमाइंडर होता है, और वह रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, रिमेंबर इट, अगर वह रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो यह x प्लस 1 p ऑफ x का फैक्टर होगा. बट अगर रिमाइंडर हमको जीरो नहीं मिलता है तो यह x प्लस 1 p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी रिप्रेजेंट द गिवन पॉलीनोमियल एज p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. And we have gx is equal to x plus 1. Here we are using factor theorem. So by factor theorem, first we mention the method name. By factor theorem, first we set this g of x is equal to 0. And we find the value of x. So here the value of x came as minus 1. Means here we have used this transposition method and we have transferred this plus 1. So we get here minus 1. So here we got the value of x, that is minus 1. Now what will be the next step? In next number step, just we have to put this
value of x in p of x. So now p of x is equals to x power 3 plus x square plus x plus 1. And now we put minus 1 in place of x. Minus 1 power 3 plus minus 1 square plus minus 1 plus 1. So here you can see that everywhere in place of x we write just minus 1. Okay, जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है उस सब के प्लेस पर हमें क्या रखना है minus 1. And now just we have to solve it. So minus 1 power 3 will give us minus 1 plus minus 1 square is 1. Plus minus minus 1 plus 1. Okay? Minus and minus will be cancelled. Minus 1 plus 1 will be cancelled. So here p of minus 1 came as 0. यहाँ पर p of minus 1 की value 0 आई है. यह 0 क्या represent कर रहा है? यह 0 हमारे remainder को represent कर रहा है. It means हमारा remainder कितना आया है? 0. And if the remainder is 0, then gx is a factor of p of x. It shows that gx is factor of p of x. So this is our complete solution. So just you note down this solution in your copy. Okay. Now let's see this solution for the second part also. And the second part says that in the second number part again we have to show that whether x plus 1 is a factor of p of x or not. So let's start solution of the second part. For this, first we represent the given polynomial as p of x. And the gx is equals to x plus 1. Okay? Now our factor theorem. Again we have to show that, verify that whether gx is a factor of p of x or not. So for this again, first we find the value of x. Okay, so how to find the value of x? Just we have to set this gx is equals to 0. So let's see here, g of x is equals to 0. Value of gx, x plus 1 is equals to 0. And here just use the transposition method. So we get the value of x, that is minus 1. So now we got the value of x. Now just what to do in the next number step? In second step, just we have to put this value in the given polynomial. So let's see. Here we have the given polynomial is, and just we put minus 1 in place of x. So let's see here what will come. P of minus 1 is equals to, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उन सब की place पर हमको minus 1 रखना है. Minus 1 power 3, 1 square minus 1 plus 1. Okay? Now minus 1 power 4, 1. Negative number के ऊपर even power है, यह हमें positive value देगी. Plus negative number के ऊपर odd power है, यह हमें negative value देगी. Minus 1 square, 1. Plus minus, minus, plus 1. Now you can see here, 1 minus, plus minus, minus, plus 1 and minus 1 will be cancelled here, and plus 1. Again you can see here 1 and 1, 1 and minus 1 will be cancelled. So here we get p of minus 1 is equals to 1. So here you can see that value of p of minus 1 is 1. It means we get here a remainder which is 1 and which is not equals to 0. It shows that g of x is not a factor of p of x. But let's revise the solution. That first what we have to do, first we set this gx equal to 0 and we find the value of x. And whatever the value we get here, that value we put in p of x. Means everywhere in place of x, just we have to write minus 1.
and after solving it we get here as a remainder. So here we got a remainder p of minus 1 is equals to 1 which is not is equals to 0. यह 0 के इक्वल नहीं है. It shows that g of x is not a factor of p of x. ये क्या शो कर रहा है कि g x p x का फैक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला है, इसीलिए g of x p of x का फैक्टर नहीं है. So this is our complete solution. So just you note down this solution in your notebook. So here I have written some polynomials and just you note down these questions in your notebook and these questions you have to solve it for the same x plus 1. Okay, so let's start our second number question. And the second number question says that use the factor theorem to determine gx is a factor of p of x in each of the following cases. So in this number question also, just we have to use the factor theorem and just we have to verify that whether g of x which is written here is a factor of p of x or not. So here again we have to do the same, we have to use the same method as we have used in question number first. Very easiest question, easiest solution is there. Just we have to use the factor theorem. And just we have to say that whether gx is a factor of p of x or not. So what, how to do it? First, we mention the method name. So by factor theorem. So here we are using the factor theorem. So just we have to mention the name also. Now, after this, we have to set this g of x is equals to 0. And the value of gx is x plus 2 is equals to 0. Now just use the transposition method and find the value of x. So here we have just transfer this 2. So we get here x is equals to minus 2. So here we got the value of x. Now what will be our next step? In next step we have to put this value of x here in p of x. So let's see here. Now p of x is equals to x power 3. Plus 3x squared plus 3x plus 1. Okay. Now just we put x is equals to minus 2. हमें x is equals to minus 2 रखना है. कहाँ रखना है? P of x पर रखना है. So जहाँ हमको x नजर आ रहा है, everywhere we put minus 2. 3x squared 3 into minus 2 squared plus 3x 3 into minus 2 plus 1. Now just we have to solve it. So let's solve and let's see what the answer we get here. Minus 2 power 3 minus 2 power 3 minus 8. 2 2's are 4 2's are 8 and minus number ke upar odd number power hai. So it will give us the negative value. So minus 8 plus 3 into minus 2 square 4. 3 2's are 6 plus 1. Now just solve it. So minus 8 plus 4 3's are 12 minus 6 plus 1. So let's see here. P of minus 2 is equals to minus 8 plus 12 plus minus minus. 12 minus 8 4 and the greater number sign is plus. So 4 minus 6 plus 1. 4 plus 1 5 minus 6. So P of minus 2 is equals to minus 1. So you can see here, after solving this, we get here the value of p of minus 2 is equals to minus 1. It is our remainder. It is our remainder and which is not is equals to 0. This is our remainder and which is not is equals to 0. So according to factor theorem, if the remainder is not coming out 0, it shows that gx is not a factor of p of x. So here we didn't get a 0 as a remainder. We get here minus 1 as a remainder. So it will show that this g of x is not a factor of p of x. So here we write g of x is not a factor of p of x. So this is our complete answer. क्या देखो हमने इसमें कि हमें यहाँ पर remainder 0 नहीं मिला. Remainder क्या मिला हमें? माइनस वन मिला. तो ये क्या शो करेगा कि यह जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग
जब हम वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर हमको जीरो मिलना चाहिए, बट यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं है, इट मीन्स डी एस पी एक्स का फैक्टर नहीं है. सो लेट्स रिवाइज अगेन दिस सॉल्यूशन दैट व्हाट वी हैव डन इन दिस सॉल्यूशन. फर्स्ट वी सेट दिस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. After this, we find the value of x by using the transposition method. So we have transferred this 2. So we get here s minus 2. After this, what the value we get here? Minus 2. So this value we put in p of x. And just in every pair here, in place of x, just we have put x is equal to minus 2. And then we just have to solve it. And after solving, whatever the answer we get here, so that answer will be our remainder. And if the remainder is 0, if we are getting remainder 0, so gx will be factor of p of x. But if remainder is not 0, so it will show that gx is not equal to p of x. So here we get minus 1 as remainder, which is not equal to 0. So it shows that this g of x is not a factor of p of x. So this is our complete solution. So just you note down this solution in your notebook. And I have solved the second number part of the question second. And the remaining two questions I am giving you just as a homework. So just you try those questions. And if you are getting any problem or confusion in those questions, so you can ask your doubt also. Let's see the third number question. What the third number question says, saying that find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. So here I have written two of the polynomials, and the question is also given to us that x minus 1 is a factor of p of x. Means here x minus 1 p of x ka factor hai. तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, अच्छा, फैक्टर थ्योरम में हमने दो स्टेटमेंट्स स्टडी करे थे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है सो x माइनस a विल बी द फैक्टर, x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा. सेकेंड नंबर क्या स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट था कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है, वो ऑलरेडी दे रहा है कि x माइनस a p ऑफ x का क्या फैक्टर है, तो हमें शो करना है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. सो सेकेंड पार्ट ये होता है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, जीरो. मीन्स p ऑफ a हमको कितना मिलेगा, जीरो. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मीन्स k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पर हम सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे. मीन्स अगर x माइनस a इस p ऑफ x का फैक्टर है तो इसका जो भी रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के. इट मीन्स यहाँ पर हम फर्स्ट इस x माइनस 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस x की वैल्यू को इस p ऑफ x में रखेंगे, और रखने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा, तो इस पॉलीनोमियल को हम जीरो के इक्वल सेट करेंगे. सो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं. फॉर फर्स्ट पार्ट एंड जी एक्स वी हैव x प्लस 1, x माइनस 1 सॉरी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है. It shows that p of a means remainder we get here 0. So by factor theorem, first we find the value of x. So for this we have to set this gx is equal to 0. And just we find value of x. So here value of x came as 1 by transposition method. यह जो 1 हमको मिला है, यह 1 किसकी वैल्यू होगी, a को रिप्रेजेंट करेगा. सो p ऑफ a कितना होगा, 0 के इक्वल होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर gx जो है वो p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है. सो सिंस g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a किसके इक्वल होगा, 0 के. इट मींस a यहाँ पे क्या है, 1 है. means p of 1 किसके इक्वल होगा, 0 के. सो नाउ अब हमें क्या करना है, इस पॉलीनोमियल p of x में g
जहां पर भी x नजर दिखाई दे रहा है उन सारे x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे 1, और उसको हमने किसके इक्वल सेट किया है 0 के। क्यों 0 के इक्वल सेट किया है? क्योंकि g x p x का फैक्टर है, तो वह हमको रिमाइंडर क्या देगा 0। सो लेट्स कीप द पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। सो x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट 1। इस पॉलीनोमियल में हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, क्या रख रहे हैं x की प्लेस पे 1। जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है उन सब की प्लेस पर आपको क्या रखना है -1 square plus 1 plus क्या है यहाँ k, so k we write as it is। Now just we have to solve it। 1 plus 1 1 plus 1 plus k is equals to 0। Now 1 plus 1 2 plus k is equals to 0। Use transposition method and for this we have to transfer this to, so we get here value of k 2 plus उधर transfer होके क्या देगा -2। So here we got the value of k, that is -2। So hope you have understood the solution and just note down this solution in your notebook. Okay, so let's see here the second part, and in this part again we have to show that whether this same x minus 1 gx is a factor of the polynomial. Sorry. Again, in this number question, this x minus 1 is a factor of p of x, means x minus 1 is a factor, it is given to us, and then we have to find the value of k. So how to find? Just first we find the value of x, and that value we have to put in px, and we have to set this px equal to 0, and then we get the value of k. So let's see here how to solve. First, we set this g of x is equal to 0, and just we have find here value of x by using the transposition method, and for this we have to transfer this -1. So when we transfer this -1, so it gives us 1. So here the value of x came as 1, and this value 1 will represent the value of a, p of a, and you remember p of a will be our remainder. So this value of a is our, the value of a. Now just we have to put this value x in our given polynomial p of x. अब इस x की वैल्यू जो 1 आई है हमारे पास, इसे हम इस पॉलिनोमियल p of x में यहाँ पर सब जगह रख देंगे, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, और साथ में gx is a factor of p of x, तो ये क्या मिलेगा p of a 1 क्या होगा रिमाइंडर, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x s minus s 1, so first 2x square, 2 into x, x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, then plus k into x, x की वैल्यू क्या है 1 plus root 2 we write as it is equals to 0. Now just we have to solve it. So let's see here, 1 square 1, 2 ones are 2 plus k plus root 2 is equals to 0. Now just 2 and root 2, 2 is rational number and root 2 is irrational number, and in the first number chapter you have studied that rational and irrational numbers cannot, we can't add them. Okay, so k is equals to, just we have to transfer both the numbers, -2 - √2, and just we can take out the common also, here minus sign we can take out as common, यहाँ से हम minus sign को common ले सकते हैं, so minus हमने common लिया, तो 2 + √2, so this is our final answer, complete answer, and just you note down this solution in your copy. So let us revise again, that the first we said this g x is equals to 0, and here we find the value of x. And after getting the value of x, this we have to put this value of x in place of px, and gx is a factor of p of x. This question has given to us that gx is a factor of p of x, so it will give us p of 1 is equals to 0. It means p of 1 will show up here as a remainder, and remainder will be 0. This question is giving to us because gx is a factor of p of x from factor theorem. So just
here we have a px, so in everywhere where x is given, so we just put the value of x, that is 1, and just we have to solve it. So after getting the, after solving it, we get the value of k, and here this k is equals to minus square minus 2 plus square root of 2, and this answer also you can write here. So this is our complete solution. So just you note down this solution in your notebook, and the remaining part you have solved, and the remaining parts I am giving you as a homework. So just you try those questions, and if you are getting any of the confusion, then you can ask your doubt. Thank you.